बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन करने वाला है एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी सैटर्ड, जो कि हाल ही में 22 में रिलीज हुई है। एक यंग और वेल्दी बिजनेसमैन क्रिस डेकर अपने खाने का कुछ सामान लेने के लिए एक सुपरमार्केट में आता है, जहां पर वो एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की को देखता है जो उसको हाई करती है और कहती है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सी वाइन लूं, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। क्रिस एक जेंटलमैन की तरह इस लड़की की वाइन बाय करने में हेल्प कर देता है। इसके बाद में ये लड़की स्टोर से बाहर चली जाती है। जब क्रिस स्टोर के बाहर आता है तो उसको पता लगता है कि लड़की की ओला उबर कैंसिल हो चुकी है, इसलिए क्रिस इस लड़की को अपने साथ चलने को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये लड़की अपना नाम स्काई बताती है। स्काई अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ एक रेंटेड रूम में रहती है, लेकिन जाना चाहती तो क्रिस उसको कहता है कि तुम मेरे घर चलो, और ये दोनों क्रिस के घर पे आ जाते हैं। स्काई क्रिस का घर देख के सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा घर उसने कभी नहीं देखा था। तो वो क्रिस को पूछती है कि तुम ऐसा क्या करते हो। तो क्रिस बताता है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसने अभी एक होम सेफ्टी के लिए एप्लीकेशन बनाई है जिसको उसने गूगल को भेज दिया है, जिसकी वजह से अब वो एक टेक मिलियनियर बन गया है। इसके बाद में ये दोनों काफी बातें करते हैं, वाइन पीते हैं, और बातों ही बातों में इन दोनों के बीच में इंटीमेसी बढ़ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, और फिर बाद में ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अगली सुबह स्काई क्रिस के उठने से पहले ही अपने अपार्टमेंट में चली जाती है, जहां पर उसकी रूममेट लीजा उस पर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि मैं कल बीमार थी और तुम कल रात को यहाँ पे आई भी नहीं। लेकिन स्काई इन बातों को इग्नोर करके बेडरूम में चली जाती है और वहाँ पर कुछ सोचने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ प्लान कर रही है। क्रिस के घर पे कोई नहीं होता, क्योंकि उसकी वाइफ से उसका डिवोर्स होने वाला होता है, तो उसकी वाइफ और उसकी बेटी अलग ही रहते हैं। एक दिन क्रिस ड्रिंक करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आता है, तो सरप्राइजिंगली उसको वहाँ पे स्काई मिलती है, जो कि वहाँ पर ड्रिंक सर्व कर रही थी। क्रिस उसको बताता है कि वो स्काई से सिर्फ इसलिए इंटीमेट हुआ क्योंकि उसकी वाइफ के साथ उसका डिवोर्स होने वाला है, लेकिन स्काई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद में ये रेस्टोरेंट के बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़का उसकी कार के विंडो के ग्लास को तोड़ने वाला होता है, तो क्रिस उसको रोकता है, लेकिन ये लड़का क्रिस पर ही अटैक कर देता है और क्रोबार से पैर पे मार मार के उसकी टांग तोड़ देता है और उसके बाद में यहाँ से भाग जाता है। क्रिस के पैर पे प्लास्टर चढ़ता है और स्काई क्रिस को उसके घर पे लेके आती है। क्रिस अब सही से चल भी नहीं पा रहा था, तो उसको एक प्राइवेट नर्स की जरूरत थी। तो इस पर स्काई कहती है कि तुम्हें क्या नर्स की जरूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारी नर्स। तो इस पर क्रिस पूछता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तो स्काई कहती है कि मैं वो कर सकती हूँ जो तुम्हारी नर्स कभी नहीं कर सकती, और उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। क्रिस स्काई को कहता है कि तुम्हें नर्स का काम करना ही है, तो तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट हो जाओ और अपने अपार्टमेंट से अपना सामान यहाँ पे ले आओ। क्रिस स्काई को अपने घर के सारे पासवर्ड भी बताता है ताकि वो आराम से आ जा सके। उसके बाद में स्काई अपने अपार्टमेंट जाती है और अपनी चीजें पैक करने लगती है, तो लीजा रोने लग जाती है कि तुम क्यों जा रही हो, मैं अकेली कैसे रहूंगी, तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। तो स्काई लीजा को अपने पास बैठने के लिए कहती है और उसको कंसोल करती है, और वो कहती है कि वो यहाँ पे आती जाती रहेगी। इसके बाद में स्काई लीजा को किस करती है और उसको काम डाउन करने की कोशिश करती है। स्काई अब क्रिस के घर में शिफ्ट हो जाती है और वो दोनों मिलके काफी रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। यहाँ पर स्काई का जादू कुछ ऐसा चला कि वो अपनी बेटी और वाइफ को लगभग भूल सा गया था। कुछ दिनों के बाद में स्काई का लैंडलॉर्ड जब लीजा से रेंट मांगने जाता है, तो वो देखता है कि लीजा मरी पड़ी है और बाथटब में उसके दोनों हाथ कटे हुए होते हैं। फिर वहाँ पे पुलिस आती है तो लैंडलॉर्ड बताता है कि इस लड़की ने सुसाइड किया है, क्योंकि इसकी फीमेल फ्रेंड स्काई इसको छोड़ के चली गई थी और लीजा फिर डिप्रेशन में चली गई और उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि हमारे डेटाबेस में स्काई नाम की कोई भी लड़की नहीं है, जिससे लैंडलॉर्ड रोनाल्ड अब कंफ्यूज हो जाता है कि स्काई एक्चुअली में है कौन। इधर क्रिस को अपनी वाइफ जेनी का वीडियो कॉल आता है और वो डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए बोलती है, लेकिन क्रिस कहता है कि मुझे अभी लेग इंजरी हुई है, तो अभी मैं डिवोर्स पेपर साइन नहीं कर सकता। लेग इंजरी को देख के जेमी थोड़ी कंसर्न हो जाती है और वो कहती है कि मैं विलो को लेके आऊंगी और तुमसे जल्द ही मिलूंगी।
इसके बाद में क्रिस देखता है कि स्काई शॉवर ले रही है, तो वो स्काई के बैग में चुपके से देखता है और उसको एक फोटो मिलता है जिसमें वो लीजा के साथ खड़ी होती है। लेकिन तभी स्काई बाथरूम से बाहर आ जाती है और वो उसको बैग में ये सब चीजें चेक करते हुए देख लेती है। अब कोई ऑप्शन नहीं देख के क्रिस कन्फेस कर देता है कि उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसका बैग चेक किया और उस पर डाउट किया। लेकिन स्काई कहती है कि तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती तो यही करती, और तुम इस बात की कोई टेंशन नहीं लो, और वो अपना टॉवेल क्रिस के ऊपर फेंक देती है। फिर क्या होना था, ये दोनों फिर से पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग स्काई क्रिस का फोन लेके जब वो सो रहा होता है तो उसके फोन का फेस लॉक खोलती है और फोन को बाहर ले जाती है। क्रिस उठता है और अपने फोन को ढूंढने लगता है। काफी देर तक क्रिस को अपना फोन नहीं मिलता है। वो देखता है कि उसका टैबलेट और दूसरी डिवाइसेस भी वर्क नहीं कर रही है। तभी क्रिस टीवी पे न्यूज सुनता है कि लीसा की बाथटब में मर्डर या सुसाइड की वजह से मौत हो गई है। क्रिस इंस्टेंटली पहचान जाता है कि ये लड़की स्काई की रूममेट है। तभी स्काई मार्केट से अपना ब्रेकफास्ट लेके वापस आती है, तो क्रिस उसको लीजा की डेथ के बारे में पूछता है और कहता है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी रूममेट थी, और तुम्हारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है पुलिस को जाके बता दो। लेकिन स्काई बड़े आराम से अपना चिकन खाते हुए एडमिट करती है कि लीसा को उसी ने मारा है। क्रिस को बेचारे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये लड़की क्या कह रही है। स्काई बताती है कि उसने लीजा से दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो क्रिस के अपार्टमेंट पर नजर रखना चाहती थी। क्रिस का अपार्टमेंट लीजा के घर के बिल्कुल सामने था और वो टेलीस्कोप के थ्रू क्रिस पर नजर रखती थी और उसकी डेली एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती थी, जिससे उसको पता लगा कि क्रिस एक बहुत बड़ा टेक मिलेनियर है। उसके घर पे कोई आता जाता नहीं है और वो एक ऑलमोस्ट लोनर आदमी है जिसको ट्रैप किया जा सकता है। इसलिए वो लीजा के घर से टेलीस्कोप के थ्रू क्रिस पर नजर रखती थी। अब लीजा उसके कोई काम की नहीं है और वो बार बार उसको परेशान कर रही थी, तो स्काई ने अब लीजा को भी मार दिया। क्रिस ये सब सुन के चकरा जाता है और क्रिस को कहता है कि अभी के अभी घर से बाहर निकल जाओ। लेकिन स्काई को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हंसती रहती है। क्रिस को लगा कि अब वो ट्रैप हो गया है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन स्काई के पास क्रिस का फोन होता है जिसमें सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स के पासवर्ड वगैरह होते हैं, तो वो घर के सारे दरवाजे लॉक कर देती है। और क्रिस अपना फोन लेने की कोशिश करता है, वो ज्यादा फाइट नहीं कर पाता क्योंकि उसकी लेग ऑलरेडी इंजर्ड थी और अब स्काई ने उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देके बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ स्काई का लैंडलॉर्ड जब अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए अंदर आता है तो उसको वही टेलीस्कोप मिलता है जिससे स्काई क्रिस के घर पे नजर रखा करती है। वो टेलीस्कोप में देखता है तो किसी घर में उसको एक नेकेड लेडी योगा करती हुई दिखाई देती है, तो वो चेयर उठा के उसको देखने लग जाता है। दूसरी तरफ व्हील चेयर पे बैठे क्रिस से स्काई पूछती है कि तुम्हारे इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड क्या हैं, लेकिन क्रिस उसको नहीं बताता है। तो वो एक ड्रिलर लाती है और उसके प्लास्टर हुए पैर में बहुत बड़ा होल कर देती है जिसकी वजह से उसको बहुत दर्द होता है। इतने टॉर्चर के बाद क्रिस अपने पासवर्ड्स बता देता है और स्काई उसका सारा पैसा अपने अकाउंट्स में इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ट्रांसफर कर देती है। स्काई का लैंडलॉर्ड रोनाल्ड टेलीस्कोप के जरिए देखता है कि वहां से क्रिस का घर बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है और उसी घर में वो स्काई को देखता है, जिससे उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। इधर स्काई क्रिस के घाव साफ करके उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल लुक देती है क्योंकि स्काई चाहती थी कि कुछ ब्रोकर आके क्रिस से मिलके उसके पास जो कुछ भी बचा हुआ है उसको बेच दे और बाकी का बचा हुआ पैसा भी वो अपने साथ ले जाए। मौका देख के क्रिस भागने की कोशिश करता है और स्काई का गला दबाने लगता है, लेकिन स्काई क्रिस के सीने में सीजर से अटैक कर देती है। स्काई क्रिस को धमकी देती है कि अगर उसने कोऑपरेट नहीं किया तो वो उसकी फैमिली यानी उसकी वाइफ और उसकी बच्ची विलो को नुकसान पहुंचाएगी। इसके बाद में स्काई क्रिस के सारे गैजेट अपने पास रख लेती है और सारे सिक्योरिटी कैमरास को अनप्लग कर देती है और दीवारों पर लगी क्रिस की महंगी पेंटिंग्स की फोटो लेती है क्योंकि वो इनको भी बेचने का प्लान कर चुकी थी। तभी क्रिस देखता है कि उसके घर की तरफ कोई आ रहा होता है। जब वो आदमी उसके घर पे आता है तो वो देखता है कि ये वही लड़का है। इसको समझ में आ जाता है कि ये भी स्काई से मिला हुआ है।
स्काई उस आदमी को कहती है कि यहाँ पे पेंटिंग और बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें हैं जिनको बेचने के लिए कोई बायर चाहिए, तुम उसको ढूंढो। इसके बाद में स्काई पेंटिंग की डीलिंग के लिए घर से बाहर चली जाती है, तो पीछे स्काई का लैंडलॉर्ड इस घर पे नजर रख रहा होता है और वो क्रिस के घर में आ जाता है। घर में तोड़फोड़ करके घुसने की वजह से स्काई के पास सिक्योरिटी अलर्ट चला जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि उसका लैंडलॉर्ड अब क्रिस के घर में घुस चुका है। इधर इस आदमी को क्रिस की बेबसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो क्रिस के मुंह से टेप हटाता है तो क्रिस कहता है कि तुम पुलिस को फोन कर दो, लेकिन रोनाल्ड कहता है कि मुझे पैसे दो या कुछ वैल्यूएबल दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो क्रिस उसको कहता है कि दीवार पर लगी पेंटिंग पिकासो की है जो करोड़ों की है, उसको तुम ले जा सकते हो। तो रोनाल्ड पेंटिंग उठा लेता है और घर से बाहर जाने लगता है और वो क्रिस को कहता है कि मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास फोन ही नहीं है, क्योंकि फोन से तो ब्रेन कैंसर होता है। और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि स्काई वापस आ गई है। रोनाल्ड स्काई को चाकू दिखाता है और वहाँ से ऊपर चला जाता है। स्काई क्रिस को व्हीलचेयर पे बिठा के उसके मॉनिटर के सामने बिठा देती है ताकि वो उसको ट्रैक कर सके, और अब वो एक समुराई वाली तलवार उठाकर अपने लैंडलॉर्ड के पीछे चली जाती है और बीच बीच में वो क्रिस को भी ट्रैक कर रही थी। अब ऊपर जाकर स्काई अपने लैंडलॉर्ड को समुराई स्वॉर्ड से बार बार स्टैब करती है और उसको बुरी तरह से मार देती है। मौका देखकर पीछे क्रिस घर के बाहर जाने में कामयाब हो जाता है और वहां पर पड़ी एक मोटरसाइकिल के सहारे वहां से भाग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद में क्रिस अपना बैलेंस खो देता है और वो अपनी बाइक से उछलकर एक कार के सामने गिरता है। अब कार चलाने वाला ये आदमी जिसका नाम सेबेस्टियन होता है, क्रिस की मदद करता है, उसको कार में बिठाता है और उसको एक नंबर डायल करके देता है और कहता है कि तुम पुलिस से बात कर सकते हो। क्रिस फोन पर पुलिस को अपनी सिचुएशन बताता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में जब कार अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है तो क्रिस देखता है कि वो उसका ही घर होता है और सामने खून से सनी हुई स्काई खड़ी होती है। वो जिस पुलिस से बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि स्काई ही थी। सेबेस्टियन क्रिस को घायल करके घर के अंदर लेके आता है और उसके बाद में वो स्काई को किस करता है। सेबेस्टियन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो कहता है कि वो स्काई का फादर है और बचपन से ही उसने स्काई को ट्रेनिंग दी है कि अमीर लोगों को कैसे लूटना है, और ये दोनों मिलके अमीर लोगों को लूटते रहते हैं। उसी रात को क्रिस का दिल पूरी तरह से टूट जाता है जब वो कमरे में से स्काई और उसके स्टेप फादर सेबेस्टियन के बीच में इंटीमेट होने की आवाजें सुनता है, तो उसको रियलाइज होता है कि वो किस लड़की के चक्कर में पड़ गया था। थोड़ी देर बाद में क्रिस कमरे से बाहर आती है और क्रिस को कहती है कि तुम्हारे बैंक में बहुत सारा पैसा पड़ा है जिसको एक्सेस करने के लिए हमें तुम्हारे थंबप्रिंट की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में ये दोनों मिलकर क्रिस का थंब ही काट देते हैं। थोड़ी देर बाद में वहाँ पर क्रिस की वाइफ जेमी और उसकी बेटी विलो आ जाती है, क्योंकि फादर की लेग इंजरी के बाद में जेमी ने क्रिस को प्रॉमिस किया था कि वो विलो को लेकर उसके घर पे आएगी, तो उसको सब अजीब सा लगता है। जेमी की बेटी घर में आते ही अपने रूम में भाग के चली जाती है। तभी जेमी देखती है कि वहाँ पे फ्लोर पे ब्लड लगा हुआ है, तो विलो को आवाज लगाती है। काई विलो को लेकर बाहर आई है। जेमी कहती है कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। काई विलो को छोड़ देती है, तो जेमी पूछती है कि मेरा हस्बैंड कहाँ पे है। लेकिन तभी वहाँ पे सेबेस्टियन आ जाता है, जिसको देख के माँ बेटी और ज्यादा परेशान हो जाती है। सेबेस्टियन और स्काई मिलके इन माँ बेटी को इंजर्ड क्रिस के रूम में बंद कर देते हैं। क्रिस अपनी बेटी से मिलके बहुत रोता है और माहौल काफी इमोशनल हो जाता है। इधर सेबेस्टियन क्रिस के टूटे हुए अंगूठे को अपने अंगूठे पर चिपकाता है और बैंक से सेबेस्टियन का बियरर फंड निकालने के लिए ये दोनों चले जाते हैं। बैंक जाके ये लोग वॉल्ट ऑफिसर से मिलते हैं, तो वो वॉल्ट ऑफिसर को बताता है कि मेरे हाथ में चोट लगी है। लेकिन सेबेस्टियन क्रिस के टूटे हुए अंगूठे को वहाँ पे सक्सेसफुली यूज कर लेता है। दूसरी तरफ एक कमरे में बंद क्रिस और उसकी फैमिली परेशान हो रहे थे कि बाहर कैसे निकले। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक वेंटिलेटर लगा हुआ है। विलो वेंटिलेटर से हेल्प लाने के लिए बाहर जाती है, तो जेमी क्रिस को पूछती है कि वो लोग कहाँ गए हैं। तो क्रिस बताता है कि वो बैंक में बियरर बॉन्ड को लाने के लिए गए हैं। लेकिन जेमी कहती है कि बियरर बॉन्ड तो मैं ऑलरेडी ला चुकी हूँ, वहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। तो क्रिस पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जेमी बताती है कि उसके वकील ने उसको एडवाइस दी थी कि अगर तुम्हारा डिवोर्स होगा तो ये बॉन्ड पेपर तुम्हारे काम आएंगे।
सेबेस्टियन और स्काई जब वॉल्ट खोलते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक नोट लिखा हुआ मिला था जो कि जेमी ने अपने हस्बैंड के लिए छोड़ा था कि मैं यहाँ से बॉन्ड पेपर निकाल रही हूँ मेरे वकील की एडवाइस पर। अब ये देखकर सेबेस्टियन और स्काई बहुत गुस्सा हो जाते हैं और तेजी से घर की तरफ ड्राइव करते हैं और वो मोबाइल पे देखते हैं कि विलो ऑलरेडी लॉक्ड रूम से बाहर निकल चुकी हैं। विलो अब डोर पे जाके सिक्योरिटी कोड लगाने वाली होती हैं, तभी वहाँ पर सेबेस्टियन और स्काई आ जाते हैं। लेकिन तब तक विलो ने अपने आप को एक कमरे में छुपा लिया था। सेबेस्टियन और स्काई दोनों स्प्लिट हो जाते हैं और घर को सर्च करने लगते हैं। लेकिन तभी क्रिश एक वेपन से सेबेस्टियन पर अटैक कर देता है, लेकिन सेबेस्टियन उसको ओवरपावर करके बहुत मारता है। स्काई गन पॉइंट पर पूछती है कि जेमी कहाँ पे है। इधर सेबेस्टियन स्काई को क्रिश को शूट करने को कहता है तो स्काई थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। सेबेस्टियन बार बार उसको कहता है कि शूट कर दो। अब सेबेस्टियन स्काई को बार बार गाली बोल के कहता है कि शूट कर दे। इसी इरिटेशन और कंफ्यूजन में स्काई अपने स्टेप फादर को ही शूट कर देती है। स्काई को समझ में नहीं आता कि उसने ये क्या कर दिया। मौका देख के क्रिस स्काई पे उस वेपन से अटैक कर देता है और वो फोन जो सेबेस्टियन के हाथ से छूट गया था लेकर भागता है। अब स्काई उस वेपन और गन के साथ क्रिश और जेमी के पीछे पड़ जाती है। क्रिस अपने फोन के थ्रू घर में लाउड म्यूजिक बजा देता है और घर की लाइट्स ऑफ कर लेता है और अपनी ऐप के थ्रू उसको हीट मैप से ट्रैक करता है। स्काई के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, वो अंधेरे में ऐसे ही गोलियां चलाने लगती हैं तो पीछे से क्रिश उस पे अटैक कर देता है। लेकिन स्काई अपने वेपन से क्रिस के चेस्ट पे अटैक करती है। स्काई क्रिस पर दोबारा अटैक करने वाली होती है तभी पीछे से जेमी आ जाती है और दोनों लेडीज में बहुत फाइट होती है। थोड़ी फाइट के बाद में स्काई जेमी की लेग को उस वेपन से बहुत बुरी तरह से इंजर कर देती है। स्काई फाइनली क्रिश और जेमी को उस वेपन से मारने वाली होती है तो पीछे से सरप्राइजिंगली विलो स्काई पे गन फायर कर देती है। जेमी दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा देती है। स्काई मरते टाइम कहती है मार्गरेट, जो कि उसका असली नाम था। इसके बाद में पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन बजते हैं जो कि घर की तरफ बढ़ रहे थे, जो अब आके इन लोगों को सेव कर दे। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो